अम्मा कुछ दिनों के लिए काशी गई हैं अपनी सहेली के साथ, कोई विशेष पूजा करवानी थी उन्हें। चाचा जी लीजिए ना, सब कुछ देसी घी में बना है, बगैर प्याज लहसुन के, और जल में तुलसी भी है। क्या हुआ चाचा जी, आप बच्चों की हरकतों से अभी नाराज है क्या? गुरुजी नाराज नहीं है, आज व्रत है इसीलिए। मैं तो कहकर आई थी उसे जल्दी से तैयार होकर बाहर आने को, पता नहीं कहां रह गई। मैं देखकर आती हूँ। कोई नहीं जाएगा, सूर्य संस्कार सिखाए नहीं जाते, साथे जाते हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे, हम भी तो देखें कि आरव की पत्नी में त्रिवेदी कुटुंब की बहू होने का गुणधर्म आया है कि नहीं। अरुंधति, अरुंधति, दादा चाचू वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। अरुंधति को इतना वक्त कभी लगता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। कि पक्का आरव नहीं किया होगा, उसने लॉक किया होगा ताकि हम लेट हो जाए दादा चाचू के सामने हमें शर्मिंदा करने के लिए। आरव, पर अब हम क्या करें? कैलाश नाथ, ये कैसी बहू ढूंढ करके ले आए हो तुम, जिसे ना बुजुर्गों का लिहाज है ना मेहमानों का मान सम्मान। हमें इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए और हम अभी तक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हमारे आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? हम अपने घर में प्रसन्न थे, क्या आवश्यकता थी हमें यहाँ आने की? I'll just go and check. एक मिनट, कोई नहीं जाएगा, मना किया ना मैंने। और ये तुम क्या कह रहे थे? क्या हमारी मातृभाषा हिंदी में शब्दों का सूखा पड़ गया? जो उन विधर्मी की अंग्रेजी बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती? क्या हो गया आजकल की इस पीढ़ी को? धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैलाश नाथ, यही है इस घर का मान सम्मान। लगता है इस घर के बड़े अपने धर्म संस्कार और मर्यादा भूल चुके हैं, तभी तो बच्चे ऐसे हैं। ए? रोना धोना बंद। अब ठीक कह रहे हैं चाचा जी, अंग्रेज बुरे, उनकी भाषा भी बुरी, इसलिए मैं कभी अंग्रेजी में बात नहीं करती। हाँ, मैं भी नहीं करता चाचा जी। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शर्म नहीं आती मायके की रोटियां तोड़ते हुए? और ये अपने पति को निकम्मा बना रखा है। हमें पता चला है कि बाहर बड़ी शान से कहता है कि हम तो घर जवाई हैं, ऐसे हमारी मर्दों के लिए घर जवाई शब्द गाली है, भयंकर गाली। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का तुम दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तुम ढीठ हो, चमत्कार है, एक नंबर का पियक कड़ाई, दोनों के दोनों चिकने खड़े हो। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ बुलाओ बहू को। मैं जो संस्कार उसके सास ससुर ने सिखा पाए, अब उसे सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है।
पर मैं बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़ों में घूमें। अरे हम तुम्हारे दादा ससुर हैं, कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज क्या होता। और संस्कारी बहू ढूंढ करके लाए हो कैलाशनाथ। माफ कीजिएगा दादा चाचू, लेकिन ये हमने अपनी मर्जी से नहीं इनकी मर्जी से पहना है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो क्या सच बता दे? इन्होंने ही कहा था कि अगर हम इनसे सच्चा प्यार करते हैं और अगर ये हमारे पति है तो हमें यहाँ आज इन्हीं कपड़ों में आना होगा। इनका हुक्म था दादा चाचू, आप ही बताइए हम क्या करते। ऐसा कहा इसने? सर्वनाश हो गया। जब हमारा ये सिक्का खोटा है तो दूसरों को दोष तो देना, यही है तुम्हारी परवरिश है? ये तुम्हारे संस्कार? सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सबसे पहले तो तुम्हारा शुद्धिकरण करना होगा। आज हमारा पितृ संतुष्टि व्रत है और अब ये व्रत तुम्हें भी रखना होगा। समझे नहीं समझे? दादा चाचू इसका मतलब? सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना है, एकदम निर्जला। ये जींस शर्ट पैंट ये सब नहीं चलेगा भाई, तुम्हें पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा धारण करनी होगी। आओ जी, इसे धोती कुर्ता दो। जी चाचा जी। वेशभूषा बदलेगी तो भारतीय संस्कार आएंगे, तो सोच अच्छी होगी। समझे नहीं समझे? जाओ। जी। तुम अब तक यहीं खड़ी हो? जी नहीं भरा? दोबारा डांट खाने का मन कर रहा है? अब नहीं, हम आते हैं। अरे जाओ कपड़े बदलो।